क्यों राजकुमार राजवरिया एरिया सुपरवाइजर मदर टेरेसा से। एक हमारी संस्था चल रही थी एनजीओ सन पीटर्स मदर टेरेसा चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसका हेड राजकुमार गोयल, देवेंद्र चौधरी और महेश शर्मा जी। राजकुमार गोयल जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं, बेगमबाग चंपा विहार के। ये हमारा ज्वाइन करवाए थे गृह शिक्षक में और सुपरवाइजर में। गृह शिक्षक से वो 90,000 लेते थे और एरिया सुपरवाइजर ज्वाइन कराने के लिए 1,30,000 से 1,50,000 तक लेते थे, वसूल हमसे किया करते थे, जिसके बदले वो हमें 10,000 और 7,000 का वेतन दिया करते थे। कुछ दिनों से उन्होंने वेतन रोक दिया, लगभग 3-4 महीनों से। पूछे जाने पर उन्होंने आगे की तारीख दी कि आगे हमें संपर्क की है। लास्ट तारीख उन्होंने 4 जनवरी दी। 4 जनवरी को ऐसा उनके पास संपर्क करने के गए, राजकुमार जी घर से फरार थे, उनके घर में ताला है। जिनके पति सपना गोयल DD थी, वो भी घर से फरार हैं। और कल तक की जो न्यूज आई है, उनके सारे भैया भाभी सब घर से फरार हो गए हैं, घर में ताला है। बस हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उनकी संपत्ति अलीगढ़ में ही है, उसको थोड़ा सा कुर्की कराया जाए उसकी, जिसके द्वारा वो हमारे सामने आ पाए। क्या हुआ है, क्या प्रकरण है पूरा? हम लोग सब जितने भी आए हुए हैं, सभी एक राजकुमार गोयल नाम के सर थे। हम सर क्या, आप तो जा चुका है यहाँ से। एक देवेंद्र चौधरी थे, इन लोगों ने यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इन लोगों ने यहाँ लोगों को ये बताया कि ये एक NGO है, सेंट पीटर्स मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन, जो गरीब बच्चों को पढ़ाएगी और आप लोगों को इसमें काम करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। कुछ गृह शिक्षक थे, कुछ सुपरवाइजर्स थे। सुपरवाइजर्स का काम था कि वो गृह शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, वो ठीक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, उनके घर में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या नहीं। और गृह शिक्षकों का काम था 10-10 बच्चे अपने घर इकट्ठे करने और उन बच्चों को पढ़ाना है। 2 घंटे किसी भी टाइम, आपके पूरे दिन में आप कोई भी 2 घंटा दीजिए। तो उसने किस तरीके से फ्रॉड किया आपके साथ, क्या? अब वो उन्होंने जितने भी सुपरवाइजर थे उनसे 1.5 लाख रुपए लिए हैं और जितने भी गृह शिक्षक थे उन सबसे पैसा लिया और ये वायदा किया कि आपको ये जॉब मिल रही है जिसमें कि आपको पढ़ाना भी है और आपकी एक इनकम भी होगी। आप SSP से मिली हैं, क्या आश्वासन मिला? कितने लोग थे इसमें? इसमें कम से कम 5-6 हजार लोग हैं अलीगढ़ से। और SSP जी कह रहे हैं उन्होंने